Hi, this is Rana Mitra, assistant local pilot, Eastern Railway. नौकरी के 3 साल हो गए हैं, अब जाके मौका मिल रहा है, बोल सकते कि अवसर मिल रहा है कुछ बोलने का नौकरी के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जॉब का नेचर कैसा है, सैलरी कितना है, और इसका जो मतलब प्रॉस्पेक्ट होता है इन फ्यूचर, वो क्या क्या हो सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट जो है एक रनिंग का मतलब जॉब है। रनिंग मतलब आपको एक जगह से गाड़ी लेके जाना है, फिर उधर पहुंचने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करना है, मान के चलिए 8 घंटा, 10 घंटे या फिर इससे भी कम भी हो सकता है, फिर उधर से वापस गाड़ी लेके आपको अपना हेडक्वार्टर में आना है। बस यही है, ये वाला चीज़ साइकिल में होता रहेगा। ठीक, इसका जो वर्किंग है उतना स्मूथ नहीं होगा, मतलब मान के चलिए कि ये 8 से 16 या फिर मतलब जो ऑफिस का जॉब होता है उस टाइप का जॉब नहीं होगा। ठीक है, मतलब 10 बजे आप जा रहे हैं फिर 5 बजे रिटर्न शाम को, ऐसा नहीं है। हाँ, ये टोटली एक अनशेड्यूल्ड जॉब है। देखिए, लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, इनका काम है हमेशा भागते रहना, मतलब गाड़ी लेके जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, बीच में आपको रनिंग रूम मिलेगा, रनिंग रूम में आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करके फिर आना है। नौकरी बहुत अच्छा है, नौकरी अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ होता है वर्किंग कंडीशन, ऐसा नहीं है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। लेकिन यही वाला नौकरी अगर आपको घर के पास मिल जाता है तो मतलब मेरे हिसाब से ऑन सेम क्वालिफिकेशन इससे अच्छा नौकरी और हो ही नहीं सकता, ऑन सेम क्वालिफिकेशन। ये हो गया आपका बेसिक, क्या क्या होना होता है जॉब में, क्या क्या होता है। और दूसरा ये किसे सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन अभी जो है असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है थ्रू RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नोटिफिकेशन आता है, उस हिसाब से फॉर्म फिलअप होता है, फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है CVT 1, इसको आप बोल सकते हो कि प्रीलिम्स, इसके बाद और एक एग्ज़ाम होगा, जिसका एक मेन पेपर होगा, ठीक है, वो भी CVT 1, और दूसरा उसी के साथ और एक होगा, वो हो जाएगा क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलता है साइको टेस्ट। और अगर साइको भी आप उतार दिए तब बारी आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल, फिर हो जाएगा सिलेक्शन। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग्स। अच्छा, यह हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाता है सैलरी। अगर सैलरी की बात बोला जाए तो बहुत ही अच्छा खासा नौकरी हो जाता है ये। स्टार्टिंग में जब आपका बेसिक रहेगा 19,900, तब लगभग मान के चलिए ऑन एन एवरेज ग्रॉस पे आपको मिल जाएगा 45-46, ऐसा करके आपको मिल जाता है ग्रॉस पे, ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। और जब आप एलपी से सीनियर एलपी हो जाओगे तब और भी मतलब ज़्यादा होते रहेगा सैलरी। तो स्टार्टिंग का जो होता है वो ऑन एवरेज 44 से 45 तक स्टार्टिंग में होता है, जब आपका बेसिक रहेगा एकदम न्यूनतम जो बेसिक रहेगा मिनिमम 19,900 जब आपका बेसिक रहेगा तब यही आपको एवरेज मिलेगा, जो कि मैं मानता हूँ। बाकी जो इस लेवल का जॉब है ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिफिकेशन, उस सारे जब से यही वाला नौकरी आपको सबसे ज़्यादा सैलरी देता है ना। और जब इसके बाद आप सीनियर एलपी, उसके बाद गुड्स ड्राइवर लोको पायलट, गुड्स लोको पायलट, पैसेंजर लोको पायलट, मेल बन जाओगे तब और भी होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, सैलरी बढ़ता रहेगा, है ना, बढ़ते रहेगा। तो
ए हो गया सैलरी, और दूसरा नेक्स्ट जो है आपका इन फ्यूचर क्या हो सकता है। लोको पायलट साहब आप बन सकते हैं फर्स्ट तो आपका आ जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के बाद सीनियर असिस्टेंट, फिर गुड्स ड्राइवर, मतलब लोको पायलट गुड्स, फिर आ जाएगा लोको पायलट पैसेंजर, फिर लोको पायलट मेल। और अगर कोई चाहे कि मुझे रनिंग में, अगर कोई चाहे कि मुझे रनिंग में नहीं रहना है, तो वो सीएलआई भी बन सकता है, जो कि होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार रनिंग में आ गए बस इधर ही रहना है, बहुत सारा डिपार्टमेंटल होता है। असिस्टेंट लोको पायलट से अगर कोई चाहता है वो जेई भी हो सकता है, और सीएलआई के लिए जाने के लिए आपको मिनिमम गुड्स ड्राइवर तो बनना ही है। ठीक है, तो ये सारा प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर आपको होगा। बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो एकदम बेसिक है। हाँ, आसान आसान तरीके से हम बोलने की कोशिश किए हैं। अब आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि कितना आसान आसान शब्दों में आंसर किया जाए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर बोलना है, देखिए नौकरी बहुत ही अच्छा है, सेम क्वालिफिकेशन में आपको इतना सैलरी कोई नहीं देगा, ये तो एक जो मतलब पहला बात है। दूसरा है छुट्टी का, छुट्टी लीव जो होता है, और कोई नौकरी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ आपको बिना छुट्टी लिए बिना, मतलब जो मैक्सिमम काम हो जाता है, स्कूल वगैरह जाना बच्चों के लिए, फिर बैंक होता है, बहुत सारा काम होता है, तो ये काम आपका आसानी से हो सकता है इस नौकरी में बिना छुट्टी लिए, क्योंकि आपको रेस्ट मिलता है, स्पेयर मिलता है, तो ये भी एक मतलब अच्छा पॉइंट है इस नौकरी का, है ना। तो ठीक ठाक है, ठीक है, लीव भी आपको मिल जाता है, ठीक है, लीव भी अच्छा खासा है। फिलहाल बस यही तक है जो मतलब बेसिक था हम आपको बोल दिए हैं। अब अगर आगे आपको कुछ जानना है तो आप हमको बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, सी यू, बाद में मिलेंगे। और ये मतलब पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखेगा। ठीक है, सी यू।